सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे जरिए आप कोई भी मूवी, कोई भी लाइव टेलीकास्ट हो या कोई आईपीएल हो या कोई एमपीएल हो, कोई भी चीज़ हो, आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, आप बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट का मज़ा उठा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो चलिए गाइस बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर क्रोमो ब्राउजर ऐप को ओपन करना है। आपका कोई भी ब्राउजर हो आप वहां से ओपन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है ओरियो टीवी 1.8.6 एपीके। सर्च करते ही आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहां पर पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। आपको नीचे कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी, आप वहां से देख सकते हैं इसका साइज क्या है और ये कौन से वर्जन का है, आप इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, डाउनलोड एपीके, एक है 1.5 का, एक है 1.6 का। तो आपको लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड करना चाहिए, तो यहाँ पर आप 1.8.6 का चूज़ कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए गाइस जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं वीडियो को पुश कर देता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है और ये मेरे होम स्क्रीन पर भी आ चुका है। तो ये आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। सो गाइस वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो में कोई भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो।